तो हेलो गाइस, आई एम निर्वाण, यू वाचिंग दास यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बंगाली मूवी के बारे में जिसका नाम है गोलंदाज। तो 2 दिन पहले इसका टीजर जो है लॉन्च हुआ है, देखने के बाद आई थिंक आई एम वेरी शॉक्ड, क्योंकि इसका टीजर जो है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली जो इसका टीजर निकल के आया है, एंड इतना इतना बढ़िया जो टीजर लगा है, आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी शॉक। सच में बहुत ही बढ़िया टीजर है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर से गोलंदाज मूवी का जो है टीजर आप लोग देख लेना, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड बंगाली जो होते हैं उनके साथ जो है एक फुटबॉल जो है एक अलग सा एक लगाव होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि बंगाली का जो है फुटबॉल जो है इसका लगाव जो है लगा रहता है, तो कहाँ से जो स्टार्ट हुआ है वो इस मूवी में आपको देखने को मिलेगा। एंड कौन है जिन्होंने ये फुटबॉल जो है स्टार्ट किया है, तो उनको कहा जाता है द गॉड ऑफ इंडियन फुटबॉल, दिस इज नन अदर देन जोगेंद्र प्रसाद शर्मा अधिकारी। तो उन्होंने ही जो है ये जो है फुटबॉल का जो एक सिलसिला जो स्टार्ट किया था इंडिया के अंदर एंड ब्रिटिश के साथ जीतने के बाद हमारा जो इसका नाम जो है बहुत ज़्यादा रोशन किया था। एंड इस मूवी के तो ये ही मूवी तो इसी टाइप का ही ये मूवी है, एंड आई थिंक वेरी गुड मूवी। एंड इसका रिव्यू मतलब मैं कैसे करूँ, मैं सच में मैं बोलने से अटक रहा हूँ, क्योंकि सच में मेरे रोंगटे खड़े हो गए इस मूवी के टीज़र देखने के बाद। ये टीज़र जो है बहुत ही बढ़िया निकल के आया है, एंड इसका जो लीड एक्टर है वो है देव। सच में मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि देव इतना बेहतरीन जो है एक्टिंग करेंगे इसके अंदर, उनका लुक इतना बढ़िया होगा। जब भी मतलब इसका जो पोस्टर रिलीज़ हुआ था तो मैंने देख के मैं शॉक्ड हो गया था। मुझे पता था कि मुझे इस मूवी के बारे में इसके टीज़र ट्रेलर कभी हो मैं ज़रूर से वीडियो लाऊंगा, मैं लेके आ गया। एंड अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे तो ज़रूर से देखना। एंड ये जो मूवी होने वाला है ये फुल जो है एक अंग्रेज़ के ज़माने की कहानी वो सब कुछ देखने को मिलेगा, हिस्टोरिकल। अगर आप लोगों को हिस्टोरिकल मूवी पसंद है तो बंगाली मूवी में सबसे बढ़िया जो है हिस्टोरिकल मूवी साबित होने वाला है। एंड टीज़र में ही इतना खतरनाक जो है लग रहा है, तो अगर ट्रेलर एंड मूवी लॉन्च होगा तो ओवरऑल कैसा लगेगा तो मूवी में ही पता चलेगा कि इस मूवी का दम कितना है, कि कितना बढ़िया जो है मूवी है या फिर नहीं है, मूवी देखने का बाद ही पता चलेगा। तो ओवरऑल जितना भी हो मुझे बहुत अच्छा लगा, कॉस्ट्यूम से ले लेके बैकग्राउंड स्कोर से लेके आर्टिफिशियल से लेके सब कुछ जो है इसका बहुत बढ़िया है। डायलॉग्स, बैकग्राउंड स्कोर, कलरिंग, एडिटिंग, सब कुछ जो है इस मूवी का बहुत अच्छा लगा। टीज़र के अंदर मुझे जितना देखने को मिला मुझे लगा कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। जितने भी मैंने बंगाली मूवीज़ एंड टीज़र को रिव्यू किया है मुझे नहीं इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये मूवी देखने के बाद, इस मूवी के टीज़र को देखने के बाद आई थिंक आई एम वेरी शॉक्ड। मैं देव का फैन नहीं हूँ, लेकिन इस टीज़र को देखने के बाद आई थिंक आई एम फैन, मैं फ़ैन हो चुका हूँ उनका। ये बहुत बढ़िया जो है उनका डायलॉग, उनका कॉस्ट्यूम, उनको बहुत बढ़िया तरीके से जो उन्होंने जो उनका रोल जो है निभाया है, आई थिंक वेरी गुड ये मूवी होने वाला है। तो इसका रिलीज डेट कब होने वाला है ये भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। तो इसका रिलीज डेट होने वाला है इंडिपेंडेंस डे के दिन, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के दिन जो इसका रिलीज डेट होने वाला है, लेकिन पक्का नहीं है क्योंकि अभी आप लोग देखो तो कोविड के कारण सब कुछ जो है सभी मूवीज़ जो है अभी डिले होता जा रहा है, तो ये भी मूवी शायद डिले हो सकता है। लेकिन इसका पोस्टर के नीचे लिखा हुआ है 15 अगस्त, और इनके जो मेकर्स है फिल्म मेकर्स इन्होंने भी कहा है कि ये 15 अगस्त को जो है रिलीज़ होगा, इंडिपेंडेंस डे के दिन जो है ये मूवी रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो देखते हैं कितना हद तक ये जो बात जो है सही निकलता है या फिर नहीं निकलता। इस मूवी से लेकर ट्रेलर हो मूवी हो सब कुछ इस चैनल पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। जब भी ट्रेलर लॉन्च होगा मैं सबसे पहले वीडियो ला के दूंगा, जब भी मूवी लॉन्च होगा सबसे पहले फर्स्ट डे मूवी देखने के बाद आप लोगों को रिव्यू भी बना के दे दूंगा। तो अगर आप लोगों को ऐसे मूवीज़ वेब सीरीज़ के बारे में रिव्यू जानना है तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ये बंगाली मूवी जो है मेरा पहला है, अगर कोई भी बंगाली ऑडियंस जो है इस मूवी को देख रहे तो प्लीज़ लाइक कर देना। नीचे जाके कमेंट करके बता सकते हो क्या मैं और बंगाली मूवीज़ के बारे में वीडियो बनाऊँ या फिर नहीं, क्योंकि मैं नहीं बनाता। तो दैट्स इट। तो अगर वीडियो लगा अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कर देना, नीचे जाके कमेंट करके बता सकते हो, एंड चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलते हैं अगली किसी और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।